राहुल गांधी संसद में भाषण दें और विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके भाषण खत्म करके जाने के बाद उनके इशारे पर स्मृति ईरानी ने उनको आड़े हाथ लिया और उन पर जोरदार हमले किए। राहुल गांधी के भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, बाद में ये आरोप लगाया कि संसद टीवी, जिस पर कि लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो रहा था, राहुल गांधी के करीब 35-36 मिनट के भाषण में ज़्यादातर वक्त कैमरा उन पर न फोकस होकर के लोकसभा स्पीकर पर था, और इसलिए इस तरह से राहुल गांधी की बातों को थोड़ा कमतर करने की कोशिश की गई। और शाम होते होते गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव की बहस में हस्तक्षेप किया और अमित शाह ने कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जनता को भ्रमित करने के लिए लाया गया है और इसका कोई अस्तित्व, इसका कोई मतलब इसलिए भी नहीं है कि सदन का विश्वास भी हमारी सरकार के साथ है और जनता का विश्वास भी हमारी सरकार के साथ है। करीब आधे घंटे, शुरुआती जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनका 35 मिनट के करीब भाषण हो चुका था, जिसमें वो मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। अभी 35 मिनट तक उन्होंने मणिपुर का जिक्र नहीं किया, जिस पर कि चर्चा होनी है और जिस पर कि राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से मोदी सरकार पर हमला भी किया। बाद में हो सकता है वो इस पर बोले, लेकिन मैं इस वक्त आम जनता के बीच में ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि संसद में जो कुछ भी चल रहा है, क्या वो 2024 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस सेशन का इस्तेमाल एक चुनावी मैदान के लिए किया जा रहा है, 2024 की बिसात बिछाई जा रही है। मेरे साथ कुछ और लोग यहाँ पर, आम लोग बिल्कुल हैं। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, ये जो सेशन है इस बार का, आपको ऐसा लग रहा है कि अब एक सेशन और होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद चुनाव हो जाएंगे, आपको लग रहा है कि ये पूरा जो हल्ला हंगामा हो रहा है ये सब 24 के निगाहों में रख के हो रहा है? नहीं, है तैयारी वही है और कोई सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और कोई मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है, बस फ़र्क यही है। और 2024 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में बहुत फ़र्क रहेगा। कैसे फ़र्क? इसलिए रहेगा कि अब वो चीज़ों को लोग समझ गए हैं, जिस चीज़ को 2014 में ले आए, फिर 2019 में ले आए, वो नित्य नए नए प्रयोग, नए नए नारे देते हैं, लेकिन जो पुराने विपक्ष वाले भी क्या कर रहे हैं, पुरानी बोतल में नई शराब, यूपीए को इंडिया बना दिया, इसी से ये ताकतवर हो गए? नहीं, इसी से ताकतवर तो नहीं हो गया, लेकिन चीज़ें उसमें बहुत सी बढ़ी हैं, ताकत उसमें बढ़ी है, तो ताकत तो वो भी बढ़ाए हैं अपनी, जो पार्लियामेंट में कहते थे एक अकेला एक अकेला, और एनडीए की कभी बैठक नहीं किया उन्होंने, मुझे तो नहीं याद है कभी बैठक होती थी, तो उन्होंने अभी एनडीए को याद किया है। 38 लोग हो गए हैं वो लोग, तो ताकत तो वो भी बढ़ाए हैं, और कोई भी रहेगा अपोजिशन भी ताकत बढ़ाएगी। आपको लगता है ये अविश्वास प्रस्ताव, जैसा गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जनता को भ्रमित करने के लिए, लेकिन जनता अभी बिल्कुल मोदी जी के साथ है और सरकार के साथ, तो अभी उसका विश्वास है? नहीं, मेरे ख्याल से जनता समझ रही है इन सब चीज़ों को। अविश्वास प्रस्ताव में जो नंबर का खेल है वो तो सबको समझ में आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो चर्चा से नहीं भागते, जो जिस नियम पर वो चर्चा कराना चाहते हैं और जिस नियम पर विपक्ष चर्चा चाहती है, तो ले आए अविश्वास प्रस्ताव, अब तो बोल ही रहे हैं, अपनी बात रखी रहे हैं, तो ठीक है अपनी बात कहेंगे। अभी दो दिन के जो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में आपको कौन भारी कौन कमजोर लग रहा? अब भारी कमजोर का आकलन जनता करेगी। और आप बताइए, इस दो दिन से जो संसद में मणिपुर की चर्चा होनी है, जो नहीं हो रही, कोई भी नेता उठता है 45 मिनट की लिए सुप्रिया सुले बोली या और कोई बोला, सिर्फ मात्र 3 मिनट के लिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मणिपुर पर बात सिर्फ 3 मिनट के लिए की गई और इससे ज़्यादा किसी ने भी नहीं करी। आज राहुल गांधी ने जब पूरी बात करी, अपना जितना पूरा भी व्यक्तित्व दिया, सारा का सारा मणिपुर के ऊपर दिया, इस बात के लिए इन लोगों को परेशानी है। और मेन बात यह है कि जो मेन मुद्दे हैं उनको भटकाना ही बीजेपी का काम रह गया। अब आज आम आदमी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जनता को ये विपक्ष वाले भटका रहे हैं, बीजेपी ही भटका रही है। मानते जो कह रहे हैं, मानते आप? इस बारे में बात मुझे तो ये पूछो। अरे मैं कह रहा हूँ, ये जो अविश्वास प्रस्ताव, यही संसद 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, अमित शाह कह रहे हैं कि आप जनता को भटकाने के लिए केवल अविश्वास प्रस्ताव लाए, जनता का विश्वास तो हमारे पे है ही। ये जो प्रस्ताव आया है ये इनका एक
तरीका गलत है। जिस तरह से इन्होंने प्रस्ताव लाए हैं लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। और इस देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि केंद्र सरकार आती है तो राज्य सरकार के ऊपर हुकूमत करे, ये बहुत ही निंदनीय है लोकतंत्र। अरे वो तो आप दिल्ली वाले बिल पे चले गए क्या? उसकी तो है प्रस्ताव, उसकी तो है। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव जो चर्चा हो रहा है, विश्वास प्रस्ताव है। अच्छा चलिए छोड़िए, दिल्ली वाले में क्या आप मानते हैं कि दिल्ली वाला जो बिल था उसी के पास? हाँ, तो उसमें आप किसको सही मानते हैं, बीजेपी को केजरीवाल को? जो ये लाए प्रसाद जी, जब से राज्यसभा में भी लोकसभा में भी लाए हैं, ये गलत लाए हैं। हर राज्य का अलग अलग मैटर होता है, अलग एक हर राज्य का एक ही होता है, केंद्र सरकार का उसे नहीं होता, राज्य सरकार करती है, जो करती है। चलो भाई आप बताओ यार, आपने आदमी हो, मैं तो सबसे पूछता रहता हूँ, अभी बताओ देश में किसके ऊपर जनता का विश्वास ज़्यादा है? राहुल जी के ऊपर। पंडित जी आइए। राहुल जी के ऊपर विश्वास ज़्यादा है जनता का? जी। कांग्रेस के हो? जी। चलिए ठीक है। हाँ जी बोलिए, कहाँ दो दो पंडित जी लोगों को लेके आप जा रहे हैं? मित्र हैं अपने। अरे महाराज जी को लिए घूम रहे हैं, पंडित जी घूम रहे हैं। महाराज जी बताएं आप। नहीं हम क्या बताएं, इनसे पूछो पहले अपने मित्र से, हम तो जब बताएंगे। ये कह रहे हैं आपके मित्र हैं? अरे हम मित्र हैं, सब मित्र हैं, भाई हैं, हिंदुस्तान में सब अपने देश के सब भाई बंधु हैं आपस में। क्या चल रहा है देश में माहौल? देश में माहौल तो बढ़िया ही चल रहा है। ये अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी के सरकार के खिलाफ विपक्ष जो लाया है उसको पंडित जी आप स्वामी जी क्या मानते हैं? स्वामी जी क्या मानते हैं, जो विपक्ष लेकर आया है सही लेकर आया, वो करो उस पर काम। पूरी जनता इस समय बीजेपी से परेशान है, मोदी के खिलाफ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कर ही नहीं रहा कुछ भी। सन्यासी परेशान है, हम खुद परेशान हैं। सन्यासी तो बम्बम में हिंदुत्व का इतना है, कहाँ बम्बम हिंदुत्व का मामला नहीं है, हम सनातनी के लिए लड़ रहे हैं। कौन कह रहा हिंदू, अगर कोई भी कह रहा है, कौन से शास्त्र में लिख रहा है, कोई ब्राह्मण है तो आए हमारे सामने। हिंदू कहीं कुछ नहीं है, सनातनी है हम, और सनातनी का मतलब है कि सब का सम्मान, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबका सम्मान है। गलत बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। किस पार्टी में आप हैं? जूना अखाड़े से सन्यासी हैं भैया, हमें पार्टी से क्या मतलब। तो ज़्यादातर साधु सन्यासी तो उधर ही हैं। इधर ही हैं, किधर हैं? जिधर राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर कहाँ बन रहा है? देश में बन रहा है, देश में सबके लिए बन रहा है। कहाँ बन रहा है राम मंदिर? पाकिस्तान बन रहा है, कहाँ बन रहा है बताइए? अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश के साधु सन्यासी कहते हैं कि हिंदुत्व का जो 9-10 साल में काम वो सनातनी है, किसी भी शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है लिखा हुआ। और भैया पत्रकार बंधु जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो सब सच्चाई पे चलो, अच्छाई पे चलो। लोग बाग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हें अपनी ताकत मानते हैं। ये नहीं कि कुछ कर लिया, कुछ इधर भाग लिए, कहीं कुछ कर लिया, उसको समझो बात को, है ना। हम पैदल घूम रहे हैं क्योंकि हम अपनी कमाई से चल रहे हैं, झोला उठा के मांग मांग के घूमे क्या? तो बाबा लोग पर भी तो बहुत देख रहे हैं, आरोप लग रहा है। जो बन रहे हैं वो भैया ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं ना, वो झंडे उठाए घूम रहे हैं, हमें झंडे उठाने की क्या जरूरत है? हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे से कोई बंद पड़ता हम उसके लिए काम करते हैं, हम चलेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी आपके साथ चलेंगे, बताओ, पैदल चलेंगे, है ना, देश के लिए चलेंगे, देश के तो लिए। देश जो लोग कहते हैं कि देश में बड़ा नफरत का माहौल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हो सकता है कल को बीजेपी गवर्नमेंट अगर उतर जाए तो हमें तो लोग भाग चलते चलते ना ख़त्म कर देना। बाबा को मारो इससे पहले, कहाँ भाग रहा है ये, इन्होंने बड़ा हमारा खून पिया। बाबा ने किसका खून पिया? बाबा ने किसको जाके बोला हिंदू मुस्लिम? बाबा ने किसको बोला? हमने किसको बोला? या किसी और बाबा ने किसी को बोला मंच पे? सब सनातनी है, सब बराबर हैं, सब। एक बार हरिद्वार में हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था, देखिए क्या क्या बात बोला था। बोलने से क्या जा रहा है, बोलने को सब बोल रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं हो रहा। सच्चाई क्या है, बोलने से क्या हो रहा है? कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, चाय पियो।